हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका ये एसपीएससी सॉल्यूशन में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार में परिवहन व्यवस्था क्या है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो भी परिवहन व्यवस्था है उससे एक दो प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो या सीडीपीओ, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो परिवहन व्यवस्था से जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 60वीं 62वीं का यदि आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें भी पूछा गया था। तो चलिए, अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग व्याख्या भी देखते चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क उपलब्धता कितनी है? कितनी किलोमीटर है 1 लाख जनसंख्या पर सड़क उपलब्धता बिहार में, ये पूछा जा रहा है। यह 126.13 किलोमीटर। 126 आप याद रखिएगा कि 1 लाख की जनसंख्या पर 126 किलोमीटर सड़क है बिहार में, ठीक है। चलिए, इसका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बिहार राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क उपलब्धता 126.13 किलोमीटर, जबकि भारत में 322.77 किलोमीटर है। देखिए, बिहार में और भारत में अगर दोनों में लेकर चले तो बहुत ही अंतर है। बिहार में सड़क उपलब्धता जो है 1 लाख की जनसंख्या पर वो है 126 और भारत में है 322, ठीक है। बिहार राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई जो है वो है 117.17 किलोमीटर, जबकि भारत में 129 है, ठीक है। तो ये जो है ये तो लगभग बराबर है इस डेटा में, लेकिन यहाँ पे जो है काफी अंतर है भारत और बिहार, ठीक है। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? देखिए, इसका सही आंसर है 1,12,373, ठीक है, 1,12,733 किलोमीटर। देखिए, बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो है 1,12,733 किलोमीटर। और देखिए, ये जो डेटा है ये 2012 का डेटा है, 31 मार्च 2012 तक का, ठीक है। बिहार में सड़कों की लंबाई जो है वो बिहार में 1947 ईस्वी में सड़कों की लंबाई 2104 किलोमीटर है, ठीक है, 2104 किलोमीटर। बिहार के कुल नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान जो है वो है 3.31, ठीक है। बिहार के कुल नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कितना है? 3.31%। और बिहार के कुल सड़क नेटवर्क में राजकीय राजमार्गों का योगदान जो है वो है 4.31%। बिहार में जिला सड़क हिस्सा जो है वो है 7.54, और बिहार में अन्य जिला सड़कों का हिस्सा है 13.76। बिहार में ग्रामीण सड़क जो है वो है 71.08। आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं 71%, ठीक है। सड़कों की लंबाई, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 3,734.38 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है 3,734, और राजकीय राजमार्ग जो है वो है 4,857, ठीक है। राजकीय राजमार्ग 4,857 और राष्ट्रीय राजमार्ग 3,734। मुख्य जिला सड़क जो है वो है 8,505 किलोमीटर और अन्य जिला 15,508 किलोमीटर। ग्रामीण पथ कितना है? 80,129 किलोमीटर। इसके बाद बिहार में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, नेशनल हाईवे जो है बिहार में कौन सा नेशनल हाईवे बिहार से गुजरता है? NH2, NH31 या NH85? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। देखिए, बिहार में नेशनल हाईवे जो है NH2 भी गुजरता है बिहार से, NH31, NH85 तीनों, ठीक है। और कहाँ कहाँ से गुजरता है इसको हम लोग देख लेते हैं। कहाँ का, देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो किस शहर से या किस जगह से गुजरता है, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो चलिए, इसके व्याख्या में हम लोग सारा चीज़ देखते हैं। देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा और इसको, हाँ चलिए ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। राष्ट्रीय राज नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली कानपुर कोलकाता, ठीक है, इसको जोड़ता है, दिल्ली कानपुर और कोलकाता। इसके और इसकी जो लंबाई है वो है 392 किलोमीटर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है वो धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर,
बारहागोरा, कोलकाता इत्यादि में, और इसकी लंबाई जो है वो है 22 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, ठीक है, 28, ये है बरौनी मुजफ्फरपुर गोरखपुर लखनऊ, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 259 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28A, ये है पिपरा सुगौली रक्सेल रक्सौल, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुल लंबाई है 68 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 जो है यह मोहनिया पटना और बख्तियारपुर, इसकी टोटल लंबाई है 230 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30A है फतुहा बाड़, ठीक है, इसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 बरही बख्तियारपुर मोकामा पूर्णिया गुवाहाटी, इसकी टोटल लंबाई 437 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 ये है मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में, 310 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 ये है हाजीपुर सोनबरसा, ठीक है, इसकी टोटल जो लंबाई है 142 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 जो है यह है मोकामा और फरक्का में, 310 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 जो है यह है बिहार और पश्चिम बंगाल, इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। ये सारा का सारा डेटा आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पटना डोमी, यह है 130। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 यह है आरा बक्सर, ठीक है, आरा बक्सर में 60 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 यह छपरा गोपालगंज, इसकी कुल लेंथ जो है वह है 95 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 यह है पटना रजहरा, इसकी कुल लंबाई है 145। पटना रजहरा, रजहरा जो है वो झारखंड में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। पटना कहीं कहीं पे पटना हरिहरगंज ऐसे भी दिया हुआ रहता है, या पटना पलामू ऐसे भी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 यह छपरा मुजफ्फरपुर, इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब इसको और नीचे कर देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103, 103 कहाँ पे है, हाजीपुर मुसरी घरारी, इसकी जो कुल लंबाई है वह है 55 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 दरभंगा जयनगर, इसकी कुल लंबाई 66 किलोमीटर। तो ये डेटा जो है आपको अभी याद नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार नोट करके एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस जगह पे है, कितने किलोमीटर है, ये सारा का सारा एक ही जगह पे दिया हुआ है। बिहार राज्य में स्थित विश्व का सबसे लंबा सेतु नदी किस नदी पर है। बिहार राज्य में स्थित विश्व का सबसे लंबा सेतु, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा सेतु किस नदी पर है, यह गंगा पर। और यह है महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु विश्व का एक नदी बना सबसे लंबा सेतु है, ठीक है, एक नदी पर बना सबसे लंबा सेतु है, ठीक है, गंगा नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सेतु का उद्घाटन किया था। इसके बाद है बिहार में स्थित अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है। अब्दुल बारी पुल किस नदी पर है, यह है सोन पर, ठीक है, सोन नदी पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसका दो पार्ट आएगा, ठीक है, परिवहन से रिलेटेड दो पार्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, रेलवे का भी हम लोगों को लेकर चलना है, और सड़क जो है उसको भी लेकर चलना है, और एयरलाइंस इसको भी लेकर चलना है। तो इसको मैं दो पार्ट में लेकर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद है बिहार में, सॉरी, हाँ देखिए बिहार में नदियों पर निर्मित सड़क एवं रेल पुल काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहार में नदियों पर निर्मित सड़क एवं रेल पुल किस किस नदी पे जो है, कौन से सड़क और रेल पुल है और कहाँ पे है, ये देख लेते हैं। महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पे है, कहाँ पे, पटना में, ये सड़क मार्ग है, ठीक है, ये सिर्फ सड़क मार्ग है। राजेंद्र पुल ये है गंगा नदी पे मोकामा में, ये रेल और सड़क मार्ग दोनों है, ठीक है। सोन पुल सोन नदी पर डेहरी में रेल और सड़क दोनों है। अब्दुल बारी पुल सोन नदी पर कोइलवर में रेल और सड़क मार्ग दोनों है। बगहा छितौनी गंडक में, गंडक नदी पे बगहा में रेल और सड़क मार्ग दोनों है। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पे भागलपुर में है सड़क मार्ग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ विक्रमशिला और महात्मा गांधी सेतु पुल दो ही जो है वो केवल सड़क वाले हैं, बाकी ये जो भी हैं सारे के सारे दोनों हैं, ठीक है, सड़क और रेलवे दोनों। तो जगह आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और किस नदी पे कौन सा पुल है।
बिहार के भागलपुर जिले में कौन सा सेतु स्थित है? बिहार के भागलपुर में कौन सा सेतु स्थित है? देखिए यहाँ पे ही हम लोग देख चुके हैं, विक्रमशिला। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमशिला सेतु। और इसका पीडीएफ एक बार जरूर आप पढ़िएगा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके। बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई? बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना शुरू की गई है? यह हुआ है 2006 से। 2006 से देखिए योजना के आरंभ होने का वर्ष जो है वो है 2006। बिहार राज्य पुल निर्माण द्वारा अपने हाथ में ली गई कुल योजनाएं 522 हैं। ठीक है, उपर्युक्त में से 31 जनवरी 2011 तक 522 निर्मित हो चुके हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार में पुल निर्माता एजेंसी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और ये है। और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का कुल जो बजट था वो था 1418.85, 5, 5, 7। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम उन पुल का निर्माण करती है जिनकी लागत 25 लाख रुपए अथवा उससे अधिक है। ठीक है, और छोटे पुल जिनका जिनकी निर्माण लागत जो है वो 25 लाख से कम है का निर्माण जो है वो जिला प्रशासन की एजेंसियां करती है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम सोन एवं कोसी नदी पर क्रमशः 1980 मीटर तथा 2000 मीटर लंबे पुलों के निर्माण की योजना पर क्रियान्वयन कर रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम गंडक नदी पर रतवल घाट पुल के निर्माण की योजना को आगे बढ़ा रहा है, इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये डेटा आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा डेटा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से सड़क निर्माण से संबंधित कौन सी केंद्रीय परियोजना बिहार में चल रही है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, देखिए ये समझने वाली बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बिहार में निम्नलिखित केंद्रीय परियोजनाएं कार्यरत है। पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये क्या है? 500 तक की आबादी वाली सभी गाँव 12 मासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कम से कम जो है आबादी 500 होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 900 की आबादी होनी चाहिए। यहाँ पे पीएमजीएसवाई के ओर से सड़कें निर्माण की जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देखिए ये जो है ये पूछा गया था 60वीं 62वीं में, ये पूछा गया था 60वीं 62वीं में पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। इसके अंतर्गत कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक है, बिहार से होकर गुजरता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये क्या है? इस केंद्रीय परियोजना में बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 28 एवं 31 शामिल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 14 राष्ट्रीय राजमार्गों में से कितने बिहार से होकर गुजरते हैं? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 14 राष्ट्रीय राजमार्गों में से कितने बिहार से होकर गुजरते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। ठीक है, प्रस्तावित 14 नए राष्ट्रीय राजमार्गों में से 5 बिहार राज्य में होकर गुजरते हैं। देखिए पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81, ठीक है, NH 81, बिहार में 100 किलोमीटर लंबाई इसकी है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82, बिहार में इसकी लंबाई 130 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83, बिहार में इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83, बिहार में 60 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, बिहार में 85 किलोमीटर। ये तो आप याद रख सकते हैं, 85 जो है 85 किलोमीटर। बिहार में रेल परिवहन कब आरंभ हुआ था? बिहार में रेल परिवहन स्टार्ट हुआ था 1860 से 1862 में, और अगर भारत में अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1853 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। हाजीपुर में वर्ष 1996 में पूर्व मध्य रेलवे ECR की स्थापना हुई। क्या
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हाजीपुर में ही 1996 में पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना हुई। बिहार की पहली गरीब रथ ट्रेन सहरसा अमृतसर, ठीक है, सहरसा अमृतसर के बीच चली थी, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार के 9 रेलवे स्टेशनों का चयन आदर्श स्टेशन के रूप में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन सी जो है 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 5400 किलोमीटर, 5400 किलोमीटर है टोटल रेल मार्ग की लंबाई बिहार में, ठीक है। सूची वन में वर्ष 2009 में बिहार की सड़कें तथा सूची दो में कुल लंबाई का प्रतिशत हिस्सा दिया गया उसमें संबंधित है। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पे सड़क दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को मिलान करना है इसमें से कौन सही है, ठीक है। देखिए इसका, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए D1 का डी, NH राष्ट्रीय उच्च पथ जो है वो कितना है? वो है 4.5%। 2 का है C, राष्ट्रीय उच्च पथ जो है वो है 4.8, और 3 का है B, जिला की मुख्य सड़कें, ये है 9.8%, और 4 का है A, जिला के अन्य सड़कें 4.6%, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2009 में बिहार की सड़कों की श्रेणी और उसकी लंबाई को सुमेलित करें। बिहार में सड़कों की श्रेणी और उसकी लंबाई को सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए वहां पे परसेंटेज दिया हुआ था, यहाँ पे लंबाई कितनी है वो दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च पथ NH कितना किलोमीटर है, ये है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं, 1 का C, NH जो है वो कितना है 3734, और 2 का है बी, SH जो है वो है 3989, और 3 का है डी, 3 का डी जिला की मुख्य सड़कें जो है वो है 8156, और 4 का है हाँ 4 का है ई, जिला के अन्य सड़कें 3818, और ग्रामीण सड़कें कितनी है, ये है 63262, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2009 में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी थी? 2009 के अनुसार 3734, अभी जस्ट हमने देखा 3734। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये है NH2, ठीक है, दिल्ली कोलकाता सड़क, ठीक है, मोहनिया सासाराम औरंगाबाद डोली बरही इत्यादि, ठीक है। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? ये है 31, NH 31 जो है वो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सी है? NH 23, ये नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 22 भी नहीं है, ठीक है, NH 23 है। बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? यह आता है निम्न श्रेणी में, ठीक है, निम्न श्रेणी में। 1990 से 2008 तक बिहार में सड़क नेटवर्क में वृद्धि हुई है, कितना जो है वो वृद्धि हुआ है? ये हुआ है 27.7%, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना वृद्धि हुआ है? 99.6%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के जिलों का वह सही समूह जो राष्ट्रीय उच्च पथ से वंचित है, नेशनल हाईवे से कौन सा वंचित है जगह? जमुई, शिवहर, सहरसा, बांका अररिया सुपौल, या बांका जमुई किशनगंज। देखिए इसका सही आंसर है बांका जमुई और किशनगंज, ठीक है, बांका जमुई और किशनगंज में कोई नेशनल हाईवे नहीं है, ठीक है। बिहार में सड़क से संपर्क वाले गांव हैं, बिहार में सड़क से संपर्क वाले गांव कितने परसेंट हैं? यह है 57%, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 57%।
बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई का घनत्व तो कितना है? वो है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा 111 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सड़क की लंबाई का घनत्व तो कितना है? यह है 0.98 किलोमीटर, ठीक है, 0.98 किलोमीटर। इसके बाद है बिहार में सड़कों की कुल लंबाई वर्ष 2009 से 82,959 किलोमीटर थी, जिसमें पक्की सड़कें कितनी है? पक्की सड़कों की जो लंबाई है वो है 46,107 किलोमीटर, 46,107 किलोमीटर। और अगर हम कच्ची सड़कों की बात करें तो यह है 36,852 किलोमीटर। वर्ष 2009 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत सड़कें जो है वो पक्की है? यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था, यहाँ पे लंबाई पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल लंबाई का कितना प्रतिशत जो है वो पक्की सड़कें हैं, ये है 55.6%, ठीक है, 55.6%, 55.6%। और अगर हम बात करें कच्ची सड़कों की तो वो है 44.4%। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2009 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सड़कों की है? ग्रामीण सड़कों की कितना परसेंट है? वो है 76.3%। अभी जस्ट हमने देखा ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा है, 76.3%। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ है, मतलब एनएच कितने हैं, नेशनल हाईवे कितने हैं बिहार में? टोटल है 27, ठीक है, 27। देखिए कुल 27 राष्ट्रीय उच्च पथ हैं जो बिहार के 35 जिलों से गुजरते हैं। अभी जस्ट हमने देखा तीन जिले जो हैं वो जिसमें कोई नेशनल हाईवे नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2009-08 के अनुसार बिहार के सड़कों के प्रकार एवं गुणवत्ता से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार में 4 लेन एवं 2 लेन राष्ट्रीय उच्च पथ क्रमशः 5 एवं 38% है, ठीक है। बिहार में 1 लेन वाली राष्ट्रीय उच्च पथ 57% है। राष्ट्रीय उच्च पथ विकास परियोजना 3 के अंतर्गत 890 किलोमीटर शीघ्र आरंभ किया जाएगा, यह उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी। बिहार राज्य के किस जिले की सड़क लंबाई सबसे कम है? बिहार राज्य के किस जिले की सड़क लंबाई जो है वो सबसे कम है? शिवहर, शेखपुरा, मुंगेर या सहरसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवहर, ठीक है। बिहार के 4 सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले हैं शिवहर, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। यहाँ पे डेटा जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में दूसरा जो पार्ट हमारा आएगा उसमें बाकी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ये। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।